जितने लोग बिहार में हैं, हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है, तो बिहार में कितनों चोरी भ्रष्टाचार है। 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में नाली गली सड़क फैक्ट्री विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने हमने वोट दिया है नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल 6000 आए कि 8000? घर घर बिजली आ गया कि नहीं आया? आपने मोदी जी को वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने हक में वोट दिया है जात के नाम पर, तो बिहार में और कुछ बात हो चाहे नहीं, घर घर जाति की चर्चा और जाति की गिनती हो रही है कि नहीं हो रही है? आपने हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया है लेकिन मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको टीवी में अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है भाजपा को गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रहा है और आपके बच्चे यहां से जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप हमको जरा बता दीजिए कि किस चीज के लिए आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा? आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया इसलिए आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रहा? आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार हैं? आपने अपने फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया इसलिए आप 2000 का धान 1500 में बेच रहे हैं? आपने जमीन के लिए वोट नहीं दिया इसलिए आप भूमिहीन हैं? यही बात समझाने के लिए हम पैदल चल रहे हैं।